press the bell icon on the YouTube app and never. आया इस्लामिक ऊंट सनातनी पहाड़ के नीचे और ये होना ही था, होना ही था। हमने आटा चावल और पैसे बंद क्या करवा दिए कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार अपने आप हिल गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आंखें निकाल करके और उंगली उठा करके चेतावनी क्या दी कि बांग्लादेश के यूनुस साहब का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जो बात कही थी और जिससे सभी को जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बात करेंगे बांग्लादेश की, वो ही हुआ जिसका डर था। मोहम्मद यूनिस ने रिक्वेस्ट भेजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अमेरिका में मुलाकात की और मोदी साहब ने कहते ना सफेद इनकार कर दिया, कोरा इनकार कर दिया कि हम मोहम्मद यूनिस से नहीं मिलेंगे। ये तो होना ही था, ऑब्वियस सी बात थी कि बांग्लादेश की अकड़ आखिर कितने दिन तक ही कायम रहती। और मोहम्मद यूनिस का ये भी कहना है जी हम कुछ ऐसे मुद्दे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच थे उनको सुलझाना चाहते थे, लेकिन मोदी साहब 21 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर जी निकल पड़े हैं अमेरिका में, जहाँ पर वो समिट ऑफ फ्यूचर में जी इन्वाइटेड हैं, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान से शहबाज शरीफ भी जाएंगे, खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम बात करेंगे बांग्लादेश की कि इतना ज्यादा एंटी इंडिया होने का दावा करने वाला बांग्लादेश आज जो है मोदी साहब से मुलाकात क्यों चाहता है। और मोदी साहब के इनकार के बाद जो है इंडियंस बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि बांग्लादेश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा भारत जो है बांग्लादेश को पनिश कर रहा है, तो जो भारत की जो पब्लिक है वो उतना ही ज्यादा अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मुद्दा क्या है, क्या ये मालदीव वाला ही सीन रिवर्स होने वाला है, जिस तरह मालदीव ने इंडिया से बायकॉट किया, फिर चाइना से हाथ मिला लिया, फिर चाइना को बायकॉट किया, फिर इंडिया के पाँव में आके बैठ गया, फिर अंडे डबल रोटी मांगी और आज जो है मालदीव इंडिया के गुनगाता हुआ नजर आ रहा है। सो वेलकम करते हैं नाज़िया अलाई खान को अपने शो पर और उनसे इन मुद्दों पर बात करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग माई शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू सैना। मैम क्या कहेंगी मोहम्मद यूनिस के रिक्वेस्ट को, मोदी साहब ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया और अक्सर लोग मीडिया में कहते हैं कि मोदी साहब जो है जिद के बड़े पक्के हैं, तो क्या क्या ख्याल है आपका, क्यों रिजेक्ट किया होगा, क्या या बांग्लादेश की पनिशमेंट अभी मजीद बाकी है? आया इस्लामिक ऊंट सनातनी पहाड़ के नीचे और ये होना ही था, होना ही था। हमने आटा चावल और पैसे बंद क्या करवा दिए कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार अपने आप हिल गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आंखें निकाल करके और उंगली उठा करके चेतावनी क्या दी कि बांग्लादेश के यूनुस साहब का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जो बात कही थी और जिससे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पीछे हट रही थी, यूएन के टीम की जो पूरा काफिला ढाका और बांग्लादेश क्या पहुंच गया और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर पूरा पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या करने लगा कि बस इंटरिम सरकार का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। आपने कहा कि आखिर साफ इनकार आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे कर दिए भारत के। शाला मुझे लगता है कि इंसान की मुलाकात इंसान से होती है, इंसान की मुलाकात ज़ॉम्बीज से नहीं होती है, इंसान की मुलाकात सांप से नहीं होती है, इंसान की मुलाकात मगरमच्छ से नहीं होती है, ठीक है। इंसान मुलाकात जो है वो इंसान से करता है। तो मोहम्मद यूनुस इंसान नहीं है। बांग्लादेश में रहने वाले इस्लामी जमाती, बांग्लादेश में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले टेररिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले तालिबानी और जिहादी माइंडेड मुसलमान इंसान नहीं है, इंसान नहीं है, वो सांप है। और जिस भारत ने,
जिस भारत ने शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिया और पाकिस्तान से काट करके बांग्लादेश बनवाया, उसी भारत को आंखें दिखाने लगा इंटरिम सरकार। और बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री के कहने पर उन्होंने बार बार कहा कि सरकार बना रहे हो तुमको बधाई भी देता हूँ और तुमको चेतावनी भी देता हूँ कि हिंदुओं की सुरक्षा मेरे लिए सर्वोप्रिय है, पर इस बात को माना नहीं बांग्लादेश। लेकिन अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें और जैसे जमात इस्लामी की आपने बात की, तो उन्होंने भी बांग्लादेश के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी उसको कंडेम किया था, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश और मोदी साहब की मुलाकात को जो है मीडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था कि हो सकता है कि कोई गुत्थी जो है वो सुलझ जाए, लेकिन उनका मोदी साहब के जो टीम है उनका ये भी कहना है कि उनका जो 3 दिन का दौरा है उसमें वो बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे तो कोई टाइम जो है नहीं मिल रहा। अगर यही ताल्लुकात हम शेख हसीना के जमाने के देखते हैं तो मोदी साहब उनको हर छोटे बड़े प्रोग्राम के अंदर भारत से जो रिलेटेड होता था उनको इन्वाइट करते हुए नजर आते थे। आज बांग्लादेश अगर देखा जाए तो कभी पाकिस्तान के साथ वो एटम बम बनाने की बात करता है तो पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीदने की बात करता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश अपना बेहतरीन दोस्त आज मान रहा है, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो इंडिया के लिए उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा रिवर्स हो गई हैं, फिर मुलाकात भी कोशिश की जा रही है। तो ये बांग्लादेश के अंदर अगर इस वक्त मैं दोस्तों को बताते चलूँ कि वहां पर आर्मी डिप्लॉयड हो चुकी है, क्योंकि ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस है इनकी भी सरकार जाने वाले, क्योंकि इनसे आज तक हालात कंट्रोल नहीं हुए और इन्होंने जो है आर्मी ऑफिसर्स को जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो है ओहदा दे दिया कि ये किसी के ऊपर गन भी चला सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में मुझे अपना मेरा पर्सनल ओपिनियन मैम ये है कि भारत जो है जमहूरियत को बहुत ज्यादा जो है प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद ये वजह है कि भारत अब समझता नहीं है कि बांग्लादेश इस काबिल है कि उससे बात की जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेरिका में जो मीटिंग होने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है शायद, लेकिन इस इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मीटिंग में भी अगर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना होती तो 2 घंटे का भी समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जरूर निकालते, क्योंकि शेख हसीना एक संवैधानिक महिला थी। शेख हसीना हर एक धर्मों को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखती थी। शेख हसीना हमेशा बांग्लादेश के इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट और एडुकेशन पर वो बहुत फोकस करती थी। शेख हसीना के दार दौरे में जिस हिसाब से मुसलमानों को तरजीह दी जाती थी, जिस हिसाब से मुसलमानों को अहमियत दी जाती थी, ठीक उसी तरीके से हिंदुओं को भी अहमियत और बाकी धर्मों को भी अहमियत दी जाती थी। हालांकि भीतर भीतर तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना थे जो अपनी प्रीत से वहां बांग्लादेश के माहौल को गर्म करते थे और कभी रोड पर नमाज पढ़ना, कभी अपनी प्रीत के हिसाब से प्रोवोकेट करना, कभी अपनी प्रीत से भड़काओ भाषण दे करके मुसलमानों के हाथ में तलवार दिलवाना, ये मुल्ला मौलवियों का काम बांग्लादेश में चलता था। और रंगे हाथ शेख हसीना की पुलिस उनको अरेस्ट करती थी और समझाती थी कि इस देश में ये पाकिस्तानी जो चरित्र है वो नहीं चलेगा। लेकिन यूनुस साहब ने जिस हिसाब से जमात इस्लामी के साथ मीटिंग करना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से बांग्लादेश के साथ ट्रीटी साइन करना स्टार्ट किया, जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलाह और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपार्डनेबल सिन है और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। और जो वहां पर आर्मी डिप्लॉय कर चुकी है वो कैसे कर चुकी है, जब आज से ठीक 7 दिन पहले यूएन की पूरी टीम वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची है, यूएन की टीम ने जब वहां पर अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और जमीनी हालात को उन्होंने देखा है और सारे लोगों से बात किया है, तब यूएन की टीम का एक रिपोर्ट इशू हुआ है कि यहाँ पर वाकई में माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हुआ है वो सेम वैसा ही हुआ है जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। और यूनुस साहब पाकिस्तान से ट्रीटी करके इसीलिए बुलवा रहे हैं आरडीएक्स, असला और बारूद, ताकि जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया। मुस्लिम कट्टरता नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज
चीज है, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपने क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अपने अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम इस्लाम का नाम दे करके उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं कि हमने इस्लाम के लिए किया है, इस्लाम में ये नहीं कहा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इस बार बांग्लादेश को भी आड़े हाथों लिया और बांग्लादेश की अकल जो है वो भी ठिकाने पे ला दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप इसे लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।